फ्रेंड्स, वी आर बैक विथ अवर न्यू स्टॉक एंड वी आर एक्सप्रेसिंग टुडे ओपिनियन ऑन ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक पे हमने पहले भी काफ़ी टाइम अपना ओपिनियन शेयर किया हुआ है, जैसे कि लेवल इसमें लगे हुए हैं 1200, 1300, 1400। बट अब जो ये लेवल पे आ गया है वो लेवल बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये देख पा रहे हो कि ये वी एक शेप का जो है रिकवरी हो रहा है। जनवरी 22 से इसने नीचे की चाल पकड़ी थी और मार्च में आकर यहाँ इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद अब ये इसने ऊपर की चाल पकड़ ली है। और ऊपर की चाल पकड़ने के बाद ये जो इसने लेवल आज क्लोजिंग दिया है, ये आज बहुत इम्पोर्टेंट लेवल है जिसको हमने लाइन प्लेस कर दिया। 1866 का आ रहा है, हम राउंड फिगर में इसको रख रहे हैं 1850। सो वी हैव टू कीप इन अवर माइंड, जब तक स्टॉक 1850 के ऊपर है, और ये 1850 जो है वो डेली बेसिस क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि कल तक अगर अपन देखें तो इसने 1864 का हाई दिखाया था लेकिन क्लोज हुआ था 1822 पे। आज इसने हाई दिखाया 1876 का, क्लोज हुआ है 1870 पे। तो 1850 के ऊपर जब तक ये स्टॉक ऊपर रहेगा, इसकी अपवर्ड जर्नी चालू रहेगी, क्योंकि उसके पीछे तीन चीज़ें हैं। एक तो ट्रेंड लाइन में अगर आपको दिखाऊं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये है अपना एक ट्रेंड लाइन, यहाँ जा रही है ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन हुई। दूसरा, अगर मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से पकड़ लूँ, ठीक है, ये है ट्रेंड, यहाँ से नहीं करके अपन इसको यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से पकड़ लेते हैं, ये जो ट्रेंड है ये अप है। और छोड़िए, मैं आपको अलग से क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है ना, मैंने ये ट्रेंड एंगल ड्रॉ किया हुआ है, देखिएगा आप। ये भी मुझे एक नई चीज़ सीखने को मिली, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगेगा ट्रेडिंग व्यू में, ये एक अच्छी चीज़ है। ये जो ट्रेंड का एंगल दिखा रहा है आपका, ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है इसका एंगल है 50 और ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है इसका एंगल है 53। दैट मीन्स ट्रेंड कितना स्टीप है, कितना स्ट्रांग है। जो ऊपर वाला ट्रेंड है वो दिखा रहा है ट्रेंड लाइन स्टीप है, और ये जो दिखा रहा है ये ट्रेंड जो है यहाँ पर, ये थोड़ा सा कम था 50 डिग्री का, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। तो अपना यही है कि 1850 का लेवल हमें देखना है। जब तक स्टॉक 1850 के ऊपर है, ये अपवर्ड जर्नी दिखाएगा, और जो पहला टारगेट इसका होगा वो मुझे एक्सपेक्टेड है। पिछली बार भी यही हुआ था, 3 जनवरी से ऊपर हुआ था। 3 जनवरी को इसने 1850 से ऊपर क्लोज़ किया, तो 3 जनवरी के बाद 4 जनवरी और 5 जनवरी, 3 दिन के अंदर अंदर 1850 के ऊपर जाके इसने जो हाई दिखाया था वो दिखाया था 2025 का। और एक और चीज़ साथियों इम्पोर्टेंट है, वॉल्यूम्स आप देखिए, वॉल्यूम्स इनलाइन है ब्रेकआउट के साथ में। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें आने वाले समय में हमें पुराने लेवल जो कि 2025 के थे बहुत जल्दी दिखेंगे। हमारा होराइजन इस स्टॉक पे सिर्फ 1 हफ्ते का है, और जो हमें ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है 1850 के ऊपर इसको सस्टेन करना है। अगर ये 1850 से नीचे जाता है तो हमारा व्यू कैंसिल हो जाएगा। साथियों, हम सिर्फ अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं और किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।